नमस्कार, मैं हूं राधिका। अनुभव सिन्हा के मुल्क अपने कंटेंट को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में तापसी पन्नू, ऋषि कपूर और आशुतोष राणा हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार की है जिन पर देशद्रोह का आरोप लगा है और वो अपनी खोई इज्जत पाने की जंग लड़ रहे हैं। फिल्म कितनी दमदार होगी, इस बात का अंदाज़ा फिल्म का ट्रेलर देखकर ही साफ हो जाता है। ट्रेलर में कई दमदार डायलॉग्स हैं। फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होगी तो फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से किया जा रहा है। प्रमोशन के लिए पहुंचे ऋषि कपूर ने भारत पाक के रिश्ते से जुड़े एक सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भारत पाक को रिश्ते सुधारने के लिए आपस में भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है, और सलाह देते हुए आगे उन्होंने कहा, मैंने देखा रूस चाइना में कम्युनिज्म हट गया। मैंने ये देखा कि साउथ अफ्रीका में काले सफ़ेद का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। हमने ये भी देखा कि बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट की दीवार गिरा दी गई, जर्मनी को यूनिफॉर्म कर दिया। हमने ये भी देखा कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो झगड़ा है 1971 से वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जो है इंडिया और पाकिस्तान का। अरे बैठो यार कुर्सी और मेज़ पर, बैठकर इसका कोई रिजल्ट निकालो। क्या हम लड़ते ही रहेंगे? दुनिया अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, हम क्यों नहीं हल कर सकते? भारत पाक के रिश्तों पर ऋषि कपूर का सीधा कहना यह है कि हल बातचीत से ही निकलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऋषि कपूर की इस बात से कितने लोग सहमत होंगे और कितने असहमत, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।